ओ दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नी मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार। आप बताएं कैसा लगा यहाँ करके? यहाँ पे आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं तनिष्क टाइम्स और ये बाबा मस्तनाथ का मंदिर और ये तमाम युवाओं की टोली आप साफ तौर से देख सकते हैं और ये लोग इनमें एक तरह का अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, कहाँ से? महम से। आप बताएं कैसा लगा यहाँ करके? यहाँ पे आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप बताइए क्या क्या जानते हैं मंदिर के बारे में, कुछ बताएं, कब से आ रहे हैं? अब 2 साल से आने लगे हैं मेले देखने के लिए और बहुत अच्छा लगा है मेला देख के। हाँ जी, हमारा सिंगर साहब अक्षत राही। क्या नाम है आपका? अक्षत राही। अक्षत जी, बड़ा खूबसूरत बाल है आपके भाई। थैंक यू। अच्छा, सिंगर हैं आप? नहीं नहीं नहीं, है बिल्कुल बता रहे हैं दोस्त, इसका मतलब है ना, थोड़ा दो लाइन। ओ दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नी मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार। सीख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि शौकिया गाते हैं? नहीं, मैं प्रोफेशनली सिंगर ही हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ बजा लेते हैं, गिटार वगैरह बजाना आता है या सिर्फ गाते हैं? मैं सिर्फ गाता हूँ। अभी कोई एल्बम उल्बम की तैयारी है कि नहीं है, कि कोई निकली है? हाँ जी, हरियाणवी में गाने हैं मेरे, काफी आ चुके हैं। अरे वाह भाई, कुछ चर्चा में जो ज्यादा हो बताइए, एक दो गाने अमित सैनी के साथ मेरे 4-5 गाने हैं भाई साहब। अच्छा, हाँ जी। तो कितने फॉलोअर्स हो गए भाई आपके? अभी फॉलोअर्स तो कम ही है भाई साहब, शुरुआत है और बहुत अच्छा गाते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा। भाई आपका नाम बताएं भाई साहब? प्रवीण जी। प्रवीण जी कहाँ से आए हैं? मदीना से। पढ़ते हैं आप लोग? हाँ जी, किस क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर में। बताइए कैसा है इस मंदिर के बारे में? कत्योग की रिपोर्ट है जी। ओके, रिपोर्ट है, सारी मनोकामना पूर्ण हो गई? हाँ जी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम। हाँ जी भाई जी, कहाँ से आए? मैं रोहतक से। रोहतक से हो भाई साहब, यहीं के हो, थोड़ा सा बताओ मंदिर के बारे में। इतना तो अपन ने गिरा भाई। कौन मेरा? तो मंदिर में आज आप आए हो, इस मेले में कैसा लगा? मेले हर साल बहुत अच्छा लगता है, 3 दिन लगता है बाबा मेला। अच्छा, बहुत ज्यादा मानता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब। कहाँ से आए हैं आप? बोरगांव से आए। बोरगांव से। मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ बहुत जानते हैं। बता दो जी थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों ने भी, किए ये हमारे बुजुर्गों की बहुत ही खास जगह रही है, धर्म वगैरह की। हाँ। और ये 8-9 7-8 का मेला पड़ता है। हाँ। हर साल यहाँ एक से बढ़कर एक चीजें नहीं आती। तो बड़ा सुंदर प्रारूप बन रहा है। जी हाँ, नया स्वरूप दिया जा रहा है और महंत जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। हाँ जी भाई जी, क्या नाम आपका? कुलबीर नाम भाई साहब। कुलबीर जी भाई साहब, थोड़ा बताओ मंदिर के बारे में। जी बहुत ही यहाँ बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के, जो अठगांव में उसकी मान्यता रही, हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है, 3 दिन चलता है। हाँ। बहुत बड़ी मात्रा में दंगल होता है, बहुत सारे पहलवान आए हैं। अच्छा। और यहाँ बहुत या जो संस्था है यहाँ पे शिक्षा में भी और ये बहुत अच्छी संस्था है और आरवे में बच्चों का भी सपोर्ट करते हैं और मनोरंजन के लिए हर वर्ष मेला लगता है। लोग मतलब रोहतक में एक अलग पहचान है बाबा मस्तनाथ के नाम से, है ना? हाँ, बाबा मस्तनाथ के नाम से एक ये बहुत स्वर्ण मंदिर की तरह मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखने योग्य हुआ, एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जी क्या नाम है आपका? टिंकू। टिंकू जी आप बताओ भाई कैसा लगा आज भाई मेला? बहुत अच्छा मेला है, देखा अपने सारे भाई आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और देखो कैसे सजावट हो रही है, बहुत रौनक सोनक का काम है यहाँ पे रोहतक में। बाबा
मस्तनाथ के बोर नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। भाई दंगल भी देखा गया, भाई दंगल भी देखे। अभी बहुत से पहलवान आ रहे थे अपने हरियाणा के, अच्छे अच्छे खाड़ों में से अच्छे अच्छे पहलवान आ रहे थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। तो ये तमाम युवाओं में एक तरह सा अलग सा जोश नजर आता है। और जब बात मेले की होती है तो मेले में तो तमाम सभी वर्ग के लोग एकत्र होते हैं। बाबा मस्तनाथ का ये जो भव्य आप मंदिर देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आरती भी होगी और तमाम लोग उस आरती का हिस्सा भी होंगे। और मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू होता है। और जब ये मंदिर भव्य अपना आकार पाएगा तो जाहिर तौर पर जो है रोहतक में इस बाबा मस्तनाथ मंदिर में और भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या जुटती हुई नजर आएगी।